अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब भाइयों को एक मैसेज देना था। जो कल मैंने एक बात की थी वही आज करनी है कि मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट लगाई है। वहाँ पर मैंने लिखा है कि आप सब भाइयों के जो जो भी जहन में सवालात हैं वो इस पोस्ट के नीचे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी आपके जहन में सवाल है आप उस पोस्ट के नीचे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं और मेरा छोटा भाई एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं जो आप तक हमने पहुंचानी है। तो ये मैसेज आपको देना था दोबारा। तो आज हम दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग की, और आज ये शुरुआत करनी है दोस्तों कि हमारे जो दो कबूतर हैं ना दोस्तों, कल रात को क्या हुआ तकरीबन छोटे भाई ने मुझे बताया, मैं तो सो रहा था दोस्तों, उसने मुझे ये बोला कि मैं 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे की बात कर रहा हूँ, मैं छत पर गया, पता नहीं क्या काम था उसे, मैंने इतना नहीं पूछा। फिर वो मुझे बता रहा था कि मैं जब छत पे गया तो बिल्ली कबूतरों के पिंजरों पर अटैक कर रही थी। मैं आपको बताता हूँ और दिखा भी देता हूँ। मैं छोटे भाई ने ये बोला कि बिल्ली यहाँ पर आई हुई थी और ऊपर से छलांगे मार रही थी और पिंजरे पर अपने नाखून मार रही थी। तो अब खतरा है दोस्तों, कभी हो सकता है कि दरवाज़ा खुल जाए। मैं लॉक तो करता हूँ, एक किस्म का ये लॉक ही है दोस्तों, क्योंकि ये रस्सी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फिर लॉक हो जाता है, फिर मैं इसको खुद खोलता हूँ, फिर ये जाके खुलती है। तो खैर दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने फिर सोचा है कि क्यों ना अपने उन कबूतरों को मास्टर केज में शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई मुझे कह भी रहे हैं कि आप अपने ये जो कबूतर हैं मास्टर केज में शिफ्ट कर दें भाई। तो आज हम यही काम करते हैं। और आपको एक और भी न्यूज़ मैंने देनी है दोस्तों, ये अच्छी तो नहीं है लेकिन एक किस्म की यार, वो जो अंडा नहीं था कबूतरी ने दिया हुआ था, 2 दिन हो गए थे, कबूतरी ने दूसरा अंडा भी नहीं दिया और वो आज सुबह अंडा टूटा भी हुआ था। तो खैर वैसे बैठ भी नहीं रही थी दोस्तों कबूतरी, और था भी दोस्तों मुश्किल क्योंकि इसने पहला अंडा दूसरी जगह दिया हुआ था, जहाँ से हम लेकर आए थे ना वहाँ पर शायद इसने दिया हो, क्योंकि दूसरा अंडा इसने नहीं दिया, तो इस वजह से शायद इसका फिर जहन नहीं बना अंडे पर बैठने को। तो खैर इनको दोस्तों हम उठाते हैं और शिफ्ट करते हैं मास्टर केज में। और एक बात दोस्तों, हमारी जो ग्यूनाफॉल है, आपको पता है एक तो हमारी ग्यूनाफॉल बिल्ली लेगी, क्या है कि ग्यूनाफॉल ऊपर बैठी होती हैं रात को, नीचे तो आती नहीं है। आज मैंने ये काम करना है कि इसको देनी है आज लालच। लालच क्या देनी है, ये अंडों की बहुत ज़्यादा शौकीन है, मैं अंडे भी लेकर आया हूँ, मैंने थोड़ा सा उनको तवे पर फ्राई किया है एक आधा चम्मच ऑयल डाल के, तो वो हम डालते हैं ग्यूनाफॉल को और उसको पकड़ते हैं और इस पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो देखते हैं कि ग्यूनाफॉल आती है दोस्तों के या नहीं आती। तो खैर पहले हम कबूतरों को पकड़ते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम अपनी ग्यूनाफॉल पकड़ेंगे दोस्तों। बस यार दुआ करें कि हमारी ग्यूनाफॉल ये बड़ी हो जाए और हमारे घर में इसी तरह से घूमती रहे आज़ाद। तो चलते हैं इनको पकड़ते हैं दोस्तों। मैंने इनके दोस्तों पर काट दिए थे, काटे नहीं थे, निकाल दिए थे मैंने इनके पर, तो ये आसानी से अब मास्टर केज में नीचे घूमते रहेंगे दोस्तों। और मेल भी इनके लिए लेकर आएंगे यार, दरअसल टाइम नहीं मिल रहा मुझे, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, घर के भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि घर की रूटीन भी एक ज़िम्मेदारी होती है हमारी रोज़मर्रा की। तो फ़िलहाल अभी नहीं ले पा रहा मैं कबूतर, वो भी लेकर आएंगे। तो अभी चलते हैं दोस्तों मास्टर केज में और इनको छोड़ते हैं अपने मास्टर केज में। ये भी दोस्तों लॉक हुआ हुआ है, आप सब कहेंगे कि लॉक क्यों नहीं लगाया भाई आपने, लेकिन ये लॉक से भी बेहतरीन चीज़ है दोस्तों ये, लेकिन अब खुल नहीं रही मुझसे क्योंकि मेरा हाथ एक बिजी है। आई कैन हेल्प? हाँ करो यार, नहीं होगा नहीं होगा, कैसे बांधा यार, एक मिनट मैं इनको मैं छोड़ देता हूँ, कबूतरों को छोड़ देता हूँ। नहीं 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 उड़ जाए फिर, उड़ते नहीं हैं पर कटे हुए हैं, यहाँ से खींच ये वाली जगह। नहीं हो रहा ये, लेकिन दोस्तों ये था हमारा लॉक जो अब खुल बहुत मुश्किल से खुल रहा है। आया हो रहा है, खुल गया दोस्तों फाइनली। तो इनको छोड़ते हैं मास्टर केज में और देखते हैं कि मास्टर केज में ये खुश रहते हैं या नहीं रहते। साथ में खुमरे भी घूम रहे हैं दोस्तों, खुमरे और एक ही ऐसे समझे नस्ल है पिजन से ही वो रिलेटेड होते हैं। तो इनको हम छोड़ते हैं अपने मास्टर केज में और ये जी हमने छोड़ दिया।
और दूसरे भी छोड़ रहे हैं माशाल्लाह, प्यारे लग रहे हैं वैसे। हाँ अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। और देखते हैं दोस्तों खुमरे इनसे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अच्छा ये भी हो सकता है दोस्तों, ये अपना जोड़ा भी लग सकता है, लेकिन पता नहीं होता है या नहीं होता ये। तो अभी दोस्तों हम इनको अकेला छोड़ते हैं, क्योंकि उनका जहाँ पर पहले घर था खतरा था, इनको बिल्ली का भी खतरा था, और क्या था कि सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो अभी दोस्तों हम अपनी गुनाफॉल को पकड़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको ज़ेब्रा फिंचेस के बच्चे दिखा देता हूँ। एक उठाएंगे सिर्फ, बाकी भी दोस्तों सब सेम साइज़ के हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़े हो गए, क्योंकि 3 दिन पहले मैंने दोस्तों आपको दिखाए थे। और ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये है जी हमारा ज़ेब्रा फिंच का बच्चा दोस्तों, माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं। बस 2 से 3 दिन के अंदर ये अपने नेस्ट से छलांग भी मार देंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। तो सबका साइज़ दोस्तों सेम टू सेम है, और आप देख सकते हैं कितना क्यूट है ये। और इसको दोस्तों हम रखते हैं। यार ये टेम हो सकते हैं हाथ पे जैसे बैठे रहे? टेम दोस्तों हो सकते हैं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता फिलहाल। अच्छा वो ब्लैक वाला भी दिखा दो ना एक। ब्लैक वाला हाँ वो मैं दिखा देता हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट था ना इन सबसे, क्योंकि 3 एक साइज़ के थे दोस्तों, और ब्लैक वाला हमारा ये आया भी ब्लैक, भी ब्लैक वाला ही आया। ये देखें दोस्तों ये छोटा है क्यों, लेकिन इसका इसने मुंह खोला हुआ है खाने के लिए। ये देखें नहीं अभी नहीं उठ सकते। चलें 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 इनको रखते हैं दोस्तों, अल्लाह प्यार। और अपनी गुना फॉल्स को हम एक है सॉरी अपनी गुना फॉल को पकड़ते हैं। ये देखें ये माशाल्लाह, चलें जी मेहनत रंग ला गई है दोस्तों। ये वो उधर जा रही है, डराओ नहीं उसको। यूँ करता हूँ इधर रख देता हूँ नीचे इस तरह से। अब इनको इसको देख के दोस्तों आएगी लाजमी, क्योंकि इसकी नज़र पड़ चुकी है, और देखें वो नीचे भी आ रही है। फिर इसको बंद कर देंगे। हाँ बंद कर देंगे, क्योंकि दोस्तों रात को क्या होता है कि डर रहता है कि बिल्ली इसको पकड़ ना ले, क्योंकि पिछला भी मेल हमारा ऐसे ही गया है, रात को ये बाहर बैठती हैं इस वजह से। देखेंगे आ भी रही है नीचे, आएगी आएगी, इधर हो जाओ पीछे। मुर्गी समझ रही है मुझे बुला रहे हो। देख लिया डॉक्टर। तो दोस्तों तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं हमने कैमरा खोला हुआ है, लेकिन गुना फॉल नहीं आ रही नीचे। काफ़ी थक भी चुका हूँ मैं, क्योंकि नज़र टिका कर खड़े रहना थकावट हो जाती है। लेकिन मज़ीद देखते हैं दोस्तों कि गुना फॉल कितना टाइम लेती है। इसको पकड़ना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, आपको पता है अगर ये रात को बाहर बैठी रहेगी इसी तरह से तो बिल्ली इसको पकड़ भी सकती है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इसको मैं पिंजरे में बंद कर दूं। कबूतर तो दोस्तों मैंने आपके कहने पर मास्टर केज में रखे हैं, क्योंकि आप सब कह रहे थे मुझे कि कबूतरों को मास्टर केज में शिफ्ट करें, थोड़े से थे मैंने सोचा है चलो जी हम मास्टर केज में शिफ्ट कर देते हैं जब तक हमारा डरबा नहीं बनता। तो अभी गुना फॉल यार नहीं आ रही। हो गई आएगी आएगी, दूर नहीं गई, रात को पकड़ लेंगे। रात को भी नहीं पकड़ी जाती ना, इसलिए कह रहा था कि दिन में पकड़ लूँ। रात को क्या होता है दोस्तों, ये या उधर बैठी होती है या ये यहाँ पर बैठी होती है। और फिर मुझसे क्या होता है कि मैं जब भी इनको पकड़ने जाता हूँ, अब तो एक बज गई है सॉरी, इसको पकड़ने जाता हूँ ये क्या करती है छलांग मार देती है। और पिछले दिनों क्या किया था, आप ये बेर देख रहे हैं नीचे आपको नज़र आ रही होगी, इस बेर पर जाकर बैठ गई है रात को तकरीबन 9:30 बजे, फुल अंधेरा था ना। फिर मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई इसको पकड़ने में, मैं डर भी गया था कि किसी के घर ना चली जाए। मैंने फिर बेर पर क्या किया कि एक छड़ी सी ज़ोर से छड़ी सी मारी, वो पूरी बेर हिली। फिर हिलने के दौरान ही गुना फॉल ने जंप मारा बेर से, फिर यहाँ पर आ गई। रात को मुझे आसानी हो गई, फिर इधर उधर नहीं गई। तो खैर अभी तो वो सामने चली गई, इसको नहीं तंग करता मैं। तो वीडियो को यार इधर ही ख़त्म कर देते हैं, गुना फॉल आएगी तो इसको हम पकड़ लेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि गुना फॉल को हम पिंजरे में ही रखा करें फिलहाल, जब तक ये अकेली है। कबूतर माशाल्लाह दोस्तों दाना वगैरह खा रहे हैं, काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं मुझे अंदर।
तो ये यहाँ पर ठीक रहेंगे यार। अभी मुझे भी तसल्ली रहेगी रात को, क्योंकि जूं ही ठंड पड़ती है मुझे टेंशन शुरू हो जाती है पत्नी कबूतरों को किस तरह से फील हो रहा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और जाते जाते फिर आपसे मैं कहूँगा कि कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट लगाई हुई है, आपका जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम जल्दी अपने नए चैनल पर वो फिर वीडियो अपलोड करेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, दो में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।